सो मेरे मैनचेस्टर यूनाइटेड के चाहने वालों खुश तो बहुत होंगे, खुश नहीं ज़्यादा खुश हो सकते थे हम लोग अगर मैच जीत जाते। तो चलिए स्टार्ट करते, रिव्यू स्टार्ट करते कल के मैच का। एक बहुत अमेजिंग मैच देखने को मिला, बहुत ही फुटबॉल वाइज बहुत ही गंदा के मैच खेले हम लोग, लेकिन रिजल्ट ओरिएंटेड थोड़ा बहुत पॉजिटिविटी है। देखो ये सीजन तो हम लोगों का बहुत ख़राब गया है, बहुत सारे रिकॉर्ड टूटे, द रिकॉर्ड ब्रेकिंग सीजन फॉर अस। एरिक टेन हैग ने तो कोई रिकॉर्ड छोड़ा नहीं, मतलब पॉजिटिव रिकॉर्ड नहीं, नेगेटिव रिकॉर्ड, हारने का रिकॉर्ड। किसी स्टेडियम में अगर हम लोग नहीं हारे थे इस बार के सीज़न में हार गए, किसी टीम के खिलाफ अगर नहीं हारे थे इस बार के सीज़न में हम लोग हार गए, गोल कंसीड ज़्यादा किए, हर एक चीज़ हम लोग का खराब ही गया। लेकिन उस खराब में भी, 1,000 20,000 खराब में भी अगर एक अच्छा चीज़ हुआ इस बार के सीज़न में, कि ये हम लोग ये सीज़न लिवरपूल से भैया एक भी मैच हारे नहीं है। दो मैच एनफील्ड में हम लोग ड्रॉ किए थे, इस बार में कल का मैच भी हम लोग ड्रॉ किए, मैच जीत भी सकते थे लास्ट मोमेंट में जाके, और एफ ए कप में क्वार्टर फाइनल में हम लोगों ने लिवरपूल को बाहर किया 4-3 से, राइट। तो कहने की एक पॉजिटिव पॉइंट है, लिवरपूल का जो पिक टीम है कहने के वन ऑफ द इस डिकेट का वन ऑफ द बेस्ट टीम है लिवरपूल का, एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड का इस डिकेट का सबसे खराब टीम है, लेकिन बेस्ट टीम लिवरपूल का वर्स्ट टीम मैनचेस्टर यूनाइटेड को हरा नहीं भाई ये सीजन, मतलब यही पॉजिटिव पॉइंट है, 1,000 नेगेटिव पॉइंट में ये पॉजिटिव पॉइंट है। तो चलिए कल का मैच का थोड़ा बहुत ब्रेक डाउन करते हैं। मैं अगर मैच की बात अगर बोलूँ तो मैच इधर टू हाफ का मैच था, पहले हाफ और सेकेंड हाफ। पहले हाफ में अगर आप मैच देखते हो, पहले 45 मिनट्स अगर आपका मैच देखे हो, तो मैच में देखे हो कि हमारे 11 प्लेयर्स खेल नहीं रहे थे, लिवरपूल को देख रहे थे। जो ऑडियंस आए थे, ऑडियंस भी लिवरपूल को देख रहे थे पैसा दे के, और हमारे जितने सारे प्लेयर्स थे वो भी लिवरपूल को देख रहे थे, लिवरपूल कैसे खेल रहा है फुटबॉल वो देख रहे थे पैसा लेके, राइट। क्योंकि पहले हाफ में मेरे को प्लेयर्स दिखे नहीं, लिवरपूली बॉल चला रहा था, लिवरपूली मिडफील्ड में कंट्रोल कर रहा था, लिवरपूली अटैकिंग वाइज में थ्रेट प्रोड्यूस कर रहा था, और हमारे प्लेयर देख रहे थे भैया अच्छा वो है मोहम्मद साला, अच्छा वो है लुइस दे, अरे भैया एंडो गया, अरे ये तो मैकलिस्टर है यार, ये तो सबोजला है, मतलब प्रेसिंग कनेक्शन, डिफेंसिव कंपोजर, डिस्ट्रीब्यूशन कुछ भी नहीं था। ये सारे फुटबॉलिंग टर्म्स मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए कभी कभी अप्लाई होते नहीं है। मैनचेस्टर यूनाइटेड कभी कभी मिडफील्ड में ऐसा, ये फिर फील्ड में ऐसा, मतलब एक्टिंग करते हैं कि ये सारे प्लेयर्स को जबरदस्ती धक्का दे के दे दिया है कि भाई जाके खेलो, और ये सारे प्रोफेशनल प्लेयर्स नहीं है। कभी कभी पैचेस में मेरे को लगता है भैया मतलब इनके फैमिली को किडनैप कर लिया है और इनको बोला है कि तेरे को खेलना पड़ेगा, दे आर नॉट द प्रोफेशनल फुटबॉलर। तो यही बात है, 45 मिनट्स में देख के तो मेरे को मतलब सोना आ गया था भाई क्या कर रहे। एंड लिवरपूल को भी एक नेगेटिव पॉइंट है, लिवरपूल बहुत सारे चांस बनाए पहले 45 मिनट्स में, लिवरपूल ने तो 14 शॉट्स मारे, और 45 मिनट्स में पहले हाफ में हम लोगों ने बहुत शॉट्स मारे थे, हम लोगों ने शून्य शॉट्स मारे थे। आर्यभट्ट ने शून्य का आविष्कार किया था, हम लोग फिर से कल हाफ टाइम में शून्य का आविष्कार किया है, ठीक है ना। 14 शॉट्स में कम से कम शॉट ऑन टारगेट 4 या 5 था, बहुत बिग चांसेस थे, 3 या 4 बिग चांसेस थे। साला को एक चांसेस बड़ी करना चाहिए था, लुइस डियाज ने गोल दिया था, उसके बाद कम से कम देखो मोटा मोटी करके कम से कम 45 मिनट्स के अंदर ही 2 या 3 नील अप हो जाना चाहिए था लिवरपूल को, राइट। लेकिन मैं बहुत बार वीडियो में यह चीज बोलता हूं, और यही मोरल है फुटबॉल का, कि भैया दो चीज, पहला चीज ये है कि आप जितना भी फुटबॉल अच्छा खेलो, जितना भी पोजीशन, जितना भी काउंटर अटैक, जितना भी ये जितना भी वो करो, लेकिन अगर आप गोल स्कोर नहीं करते हो, अगर आप अपना अपॉर्चुनिटी, ये लाइफ के लिए भी मतलब अफोर्डेबल है ये लाइन, और आपके फुटबॉल गेम के लिए भी अफोर्डेबल है, कि अगर आप अपना अपॉर्चुनिटी बड़ी नहीं करते हो तो आपको भैया प्रॉब्लम बाद में होगा, जो कल लिवरपूल को हुआ। पहले 45 मिनट्स में 14 शॉट्स मारे, 3-4 बिग चांसेस थे, 4-5 शॉट ऑन टारगेट थे, साला को चांस मिला, लुइस डियाज को चांस मिला, डार्विन नुनेस को चांस मिला, लेकिन उन्होंने क्या क्या, उन्होंने वो चांसेस बड़ी नहीं किए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि हम लोगों का एक और नेगेटिविटी है, हम लोग सेट पीस हम लोगों से डिफेंड नहीं होता, कॉर्नर बताओ फ्री किक बताओ, हम तो लूले हैं, तो कहीं ना कहीं लुइस डियाज को एक कॉर्नर मिला एंड लुइस डियाज को अनमार्क छोड़ दिया, और जो अनमार्क हम छोड़ते ही है सारे लोगों को, और लुइस डियाज आराम से एक कप चाय वाय पी के, आराम से मत नहा धहा के, आराम से एक गोल मार दिया और 1-0 का लीड ले लिया, उसके बाद चांसेस मिले, मैंने बोला चांसेस बड़ी नहीं हुआ, और इस तरीके से पहला हाफ गया। एंड आफ्टर 45 मिनट्स मतलब मुझे लगा नहीं था, देखो मैंने इंस्टाग्राम लाइव में भी बोला था, नेगेटिव पॉइंट बहुत सारा है, लिवरपूल ऑन द पेपर बहुत ही सुपीरियर टीम है, हम लोगों के पास सेंटर बैक नहीं है, कामवाला और हैरी मैगवायर से अगर आप डिफेंड करवा रहे हो, लुइस डियाज, डार्विन नुनेस, साला, सोबोज़ला, मैकलिस्टर को, तो भैया मतलब कुछ कह नहीं सकते, हम लोगों के पास फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस लाइन नहीं है, लुक शॉ वगैरह नहीं है, वेन विशाखा बोलो या फिर डियागो डालो,
एक आउट ऑफ पोजीशन खेल रहा है, दो सेंटर बैक, दोनों के पास स्पीड ही नहीं है, एंड काम वाला न्यू प्लेयर्स है। अब न्यू प्लेयर्स को अब लिवरपूल का अटैक अगर संभालने जाओगे तो भैया प्रॉब्लम होगा। तो कहना कि हम लोगों के पास जीतने का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन मैंने लाइव में जो चीज़ बोला था कि हमारे पास एक पॉइंट है, क्या पॉइंट है कि लिवरपूल के पास भैया खोने के लिए बहुत कुछ है। लिवरपूल बहुत सी चीज़ चेस कर रहा है, वो प्रीमियर लीग चेस कर रहे हैं, वो यूरोपा लीग चेस कर रहे हैं, क्लॉप का फेयरवेल सीजन है, बहुत ब्ला 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 उनके पास एक्सपेक्टेशन है, उनके पास जीतने के लिए बहुत कुछ है, उनके पास हारने के लिए भी बहुत कुछ है, लेकिन हमारे पास हारने के लिए कुछ नहीं है। हम जीतेंगे तो भी सिक्स पोजीशन पे फिनिश करेंगे, नहीं जीतेंगे फिर भी सिक्स पोजीशन पे फिनिश करेंगे, अगर लक साथ दिया तो फिफ्थ पोजीशन में हम लोग जा सकते हैं, लेकिन वो बात की बात है। तो भैया मैनचेस्टर यूनाइटेड के बाद हारने के लिए कुछ नहीं है, और यही कहने की बैकफायर कर सकता है, मैंने ये लाइव में बोला था और ये हुआ हाफ टाइम के बाद। देखो भैया मैनचेस्टर यूनाइटेड के जितने सारे प्लेयर्स है, वो जितना भी शिट हो जाए, जितना भी घटिया हो जाए, जितना भी फालतू हो जाए, लेकिन ओल्ड ट्रैफर्ड आपको कभी डाउन नहीं करेगा। आप इस सीजन कितना खराब फुटबॉल खेले, कितना पॉइंट लूज किए, कितना गोल खाए, कितना गलीच फुटबॉल दिखाए, कितना शॉट कंसीड किए, लेकिन ओल्ड ट्रैफर्ड के क्राउड को ही है सलाम। ओल्ड ट्रैफर्ड आपका शांत नहीं रहेगा, ओल्ड ट्रैफर्ड आपको वो एक्साइटमेंट देगा। मेरे को थोड़ा एक ग्लिम्सेस आया था जब हाफ टाइम के बाद एरिक टेन हैग टनल से निकल रहे थे ना, मतलब मैच शुरू होने से पहले हाफ टाइम के बाद, तब ओल्ड ट्रैफर्ड के लोग बहुत चीयर कर रहे थे, बहुत ताली वाली मार रहे थे, मतलब ओल्ड ट्रैफर्ड के लोग ऐसा महसूस करवा रहे थे भाई हम ही मैच जीत रहे, हम ही प्रीमियर लीग चेस कर रहे। एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड की पैशन अभी भी जिंदा है इतने सालों के गंद फुटबॉल के बाद। हैट्स अप टू दैट, मतलब वो मैच डे फैंस की उनके पास अभी भी वो एक्साइटमेंट, उनके पास अभी भी वो होप है। तो भैया वहां से थोड़ा बहुत ग्लिम्सेस दिखा कि एनर्जी तो है कहीं ना कहीं, और एनर्जी कहीं ना कहीं एक दो मौके मिल गए तो भैया हम लोग कन्वर्ट कर सकते थे, और वो मौका मिला। लिवरपूल के डिफेंडर से एक हाउलर हुआ और ब्रूनो ने अपना दिमाग लगाया और वहाँ से मार दिया बंदे ने, और 1-1 का ड्रॉ खेल दिया। उसके बाद 15-20 मिनट भैया मैनचेस्टर यूनाइटेड का अटैक क्रिएट हुआ, लेकिन 2-3 चांसेस हाफ चांसेस क्रिएट हुए, ओपन चांसेस बहुत क्रिएट नहीं हुए लेकिन हाफ चांसेस क्रिएट हुए थे, लेकिन हमारे रैशफोर्ड भैया या फिर बोलो ब्रूनो भैया ने फिनिश नहीं किया। और एक चीज़ फिर से एक नेगेटिव पॉइंट कि हमारे पास 6 फुट 2 इंच का एक लौंडा है, हॉयलैंड है, लेकिन हम उनको फीड नहीं करते। एक नंबर 9 लेके आया है जो फिनिश अच्छा करता है, जो प्रूव कर चुका है 6 मैच में बैक टू बैक 6 गोल डाल चुका है, लेकिन हम लोग उसको फीड नहीं करते, क्रॉसेस अटेम्प्ट नहीं करते, बंदा हेट के लिए एक्टिव रहता है। लेकिन दैट द पॉइंट कि बहुत सारे लोग बोलते हैं हॉयलैंड तो गोल नहीं देता, भाई सेंटर फॉरवर्ड गोल देगा तब जब उनको फीड किया जाएगा, उसको क्रॉसेस दिया जाएगा, तो हॉयलैंड को हम फीड नहीं करें, इसलिए हॉयलैंड कहीं ना कहीं घोस्ट कर गया। लेकिन ओवर द पॉइंट उसके बाद 15-20 मिनट का थोड़ा बहुत कंट्रोल लगा, कंट्रोल मतलब अटैकिंग वाइज में, कंट्रोल मतलब मिडफील्ड में कुछ कंट्रोल वगैरह नहीं था। उसके बाद एक वर्ल्डी आया कोबी मैनो का, भैया बहुत कीचड़ है ठीक है, बहुत ही गंद है मैनचेस्टर यूनाइटेड में, लेकिन उस कीचड़ में भी एक फूल खिला है, दैट इज़ कोबी मैनो। इस बंदे को अगर हम प्रोटेक्ट करते तो भैया आगे जाके फ्यूचर एक स्टार बन सकता है। मैं हाइप नहीं करूँगा, बहुत सारे लोग बोल रहे ये बन जाएगा वो बन जाएगा, कोबी मैनो द नेक्स्ट पॉल स्कॉल्स एक अलग लेवल का भाई, कंपेयर वगैरह मत करो, लेकिन कोबी मैनो कैन बी योर बिग सुपरस्टार इन अ नेक्स्ट सीजन। उसको अगर प्रोटेक्ट अगर ठीक ठाक से करते हैं हम लोग, अगर इंजरी रिपोर्ट ठीक ठाक रहता है उसका, अगर मतलब दिमाग हिलता नहीं है ठीक है, तो ठीक ठाक तरीके से अगर बंदा हम्बल रहता है, हार्डवर्किंग बंदा रहता है, स्किल और कंपोजर उसके पास है, मिडफील्ड में जो क्लास चाहिए वो क्लास कोबी मैनो के पास है। ऐसा नहीं कि बंदे ने 2-3 मैच में ठीक ठाक खेल दिया, बंदा बहुत सारे मैचेस में अच्छा खेला और इंग्लैंड में स्क्वाड में भी बंदा जगह बना चुका है, और इंग्लैंड के साथ वो जो मैच था इंग्लैंद और किसका मैच था वहाँ पे बंदे ने मैन ऑफ द मैच भी जीता था। सो हाई एक्सपेक्टेशन से कोबी मैनो से ऑलरेडी बंदे ने उल्व्स के खिलाफ भी विनर मारा था, बहुत ही शानदार गोल था, ये गोल तो उससे भी ज़्यादा अच्छा था, एंड लिवरपूल के अगेंस्ट में हुआ, एंड ओल्ड ट्रैफर्ड में शायद उसका पहला गोल है, तो बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव पॉइंट है। उसके बाद कहने के अटैकिंग वाइज दिखा हम लोगों का, एंड और भी कुछ चांसेस क्रिएट हुए लेकिन हम लोग बड़ी नहीं कर पाए। एट द एंड ऑफ द डे फिर से हम लोग एक हमारे फुलबैक ने एक पेनल्टी दे दिया, ऑल दो वो पेनल्टी था नहीं, मैंने शॉर्ट्स बना लिया, अपने शॉर्ट्स चेक कर लेना, वो स्लो मोशन में मैंने दिखाया है वो पेनल्टी था कि नहीं, मतलब अब हार्वी एलियट के साथ कांटेक्ट ही नहीं हुआ, फिजिकल कांटेक्ट ना होने में भी अभी पेनल्टी मिलता है, इसके बारे में बात नहीं करना चाहूँगा, मैंने शॉर्ट्स बनाए वो शॉर्ट्स देख लेना। उसके बाद एक पेनल्टी मिला एंड साला ने वो पेनल्टी स्कोर कर दिया, इवेंचुअली वो हम लोग ड्रॉ कर दिए जो हम लोग जीतना चाहिए था। तो पॉजिटिव पॉइंट क्या है, पॉजिटिव पॉइंट कुछ भी नहीं इस मैच से, पॉजिटिव पॉइंट अगर बोले कोबी मैनो का एक पॉजिटिव पॉइंट है। दूसरा आंद्रे ओराना, देखो आंद्रे ओराना को हम लोग जी भर के गाली दिए
गाली खाने का काम भी किया है बंदे ने, यूसीएल हम लोगों को कॉस्ट किया, बहुत सारे मैच कॉस्ट किया, लेकिन अभी आंद्रे ओनाना को हम लोगों को कॉम्प्लीमेंट भी देना पड़ेगा, जहाँ पे कहने के कल का जो मैच था और पिछले दो तीन मैच में आप देख रहे हो कि बहुत शॉट्स कंसीड कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि आंद्रे ओनाना इज़ द ओनली मैन कि हम लोग ज़्यादा गोल कंसीड नहीं कर रहे पिछले चार पाँच मैच में, शॉट जिस तरीके से कंसीड कर रहे उस तरीके से गोल कंसीड नहीं कर रहे बिकॉज ऑफ आंद्रे ओनाना। तो कहने के एक कॉम्प्लीमेंट देने की ज़रूरत है, आंद्रे ओनाना कल दो तीन बहुत ही बढ़िया सेव्स किए और उसकी वजह से हम लोग मैच में ऑन रहे। सेकेंड पॉइंट इसको भी मैनो। एंड अगर नेगेटिव पोर्शन की बात बोलें, नेगेटिव तो सारे थे, बहुत सारे चीज़ नेगेटिविटी था। एरिक टेन हैग का जब को क्या कंपोजर है या फिर क्या स्टाइल ऑफ प्ले है ये मेरे को समझ में नहीं आता। दैट इज द मेन पॉइंट कि एरिक टेन हैग को मैं तो डिफेंड करना चाहता हूँ, मैं एरिक टेन हैग को मानता हूँ कि भैया ये वर्ल्ड क्लास मैनेजर नहीं है, लेकिन एरिक टेन इज नॉट अ बैड मैनेजर। एरिक टेन हैग के पास वो चीज़ है कि यंग प्लेयर के साथ वो अच्छा कुछ कर सकता है, उसका एग्जाम्पल है एक्स। एक्स में बंदे ने चार पाँच साल के अंदर एक्स को सुप्रीम बना दिया था, लेकिन दो साल हो गए मेरे को अभी भी पता नहीं चल रहा है कि एरिक टेन हैग का स्टाइल ऑफ प्ले क्या है। पोजीशन गेम है, काउंटर अटैक है, गलीज फुटबॉल है, पाकदाबाद है, क्या है पता नहीं, मेरे को पता नहीं। दैट इज द ओनली क्वेश्चन मार्क फॉर एरिक टेन हैग। एंड अगर नेगेटिव बात की बोले, ब्रूनो का गेम बहुत ही घटिया था, वो एक गोल को अगर निकाल दो तो ब्रूनो ने भैया कुछ नहीं किया मिडफील्ड में, भैया इतना बार पोजिशन लूज किया भाई, नॉर्मल पासेस नहीं हो रहे, दो यर्ड के पास नहीं हो रहे, ऐसा नहीं कि बहुत बंदा क्रिएटिविटी करने जा रहा है और पास मिस कर दे रहा है, नॉर्मल पासेस नहीं हो रहे थे। और सबसे जो घटिया था कल के मैच में, दैट इज कैशिमिरो का बहुत ही ज़्यादा ऑफ डे था। उसके बाद मैं ज़्यादा क्रिटिकल नहीं हूँगा, क्योंकि मतलब एक ऑफ डे हो सकता है कैशिमिरो का, बहुत सारा मतलब जगह पे कैशिमिरो ऐसे लग रहा था कि भाई ये तो प्रीमियर लीग का लेवल का प्लेयर नहीं है, लेकिन कैशिमिरो के ऊपर मेरा एक्सपेक्टेशन है अगले दो तीन मैच के अंदर कैशिमिरो फिर से आपको दिखाएगा। तो टोटल मिला के मिस गेम, मिडफील्ड का कुछ कंट्रोल नहीं था, लेकिन कुछ मतलब हम लोग फुटबॉल वाइज कुछ कंट्रोल बोलो या फिर कुछ क्रिएटिविटी बोलो दिखाई नहीं। लेकिन मैं चीज़ बोलता हूँ कि भैया जितना भी आप खराब खेलो, 90 मिनट में आपको दो तीन चांसेस मिलेंगे जरूर, और वो दो तीन चांसेस में आप हथौड़ा मार देते हो तो भैया रिजल्ट आपके फेवर में जा सकता है, जो कल के फेवर में मैनचेस्टर यूनाइटेड का गया। बिकॉज लाइफ और स्पोर्ट्स इज ऑल अबाउट मोमेंट, अगर मोमेंट को आप कैप्चर कर पाते हो, सही काम करोगे डजेंट मैटर, सही टाइम पे अगर आप सही काम कर दो तो ही आपको लाइफ में सक्सेसफुल मिलता है, सक्सेस मिलता है। उसी तरीके से अगर फुटबॉल में अगर आप मूवमेंट बड़ी करोगे तो कहीं ना कहीं आपका पॉजिटिव रिजल्ट निकलेगा। वो अगर पेनल्टी ना दिया हुआ होता, दैट इज द बैड लक फॉर अस, चेल्सी वाले मैच में भी वो हुआ है, ठीक है जो हुआ हुआ, लेकिन हम लोग मूवमेंट बड़ी किए इसलिए कहने के हम लोग ड्रॉ करवा बैठे। एंड लिवरपूल इस सीजन हम लोगों को हराया नहीं, वी आर अनडिफीटेड अगेंस्ट लिवरपूल, जो मैंने थंबनेल में भी यूज़ किया। एंड हम तो खुश थे, लेकिन हमसे भी खुश दो और लोग थे, ठीक है ना, वो है आर्सेनल, वो है मैनचेस्टर सिटी। अभी कहने के प्रीमियर लीग का जो रेस है बहुत ही ज़्यादा ओपन हो गया है, अब आर्सेनल भी जीत सकता है, सिटी भी जीत सकता है। एंड क्लॉप भी थोड़ा गुस्से में थे, क्लॉप बोले कि भैया ऐसी इस तरीके से हम लोग आर्सेनल के खिलाफ खेलेंगे तो मैनचेस्टर यूनाइटेड को पेल देगा आर्सेनल, भैया वो हम जानते, प्रॉब्लम नहीं है। अब देखते हैं आगे जाके क्या होगा, हम लोगों का तो कुछ है नहीं जीतने का, हम लोग किसका पार्टी स्पॉइल कर सकते, लिवरपूल का ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, अब देखते हैं आर्सेनल के खिलाफ, देखते हैं आने वाले मैचेस में क्या होगा। तो दैट इज ऑल पॉइंट, अगर यूनाइटेड फैंस आप देख रहे हो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना क्या आने वाले सीजन में आप एरिक टेन हैग को देखना चाहते हो, कि कौन कौन से प्लेयर को देखना चाहते हो और ये कल का मैच आपको कैसा लगा। दैट इज द होल पॉइंट, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, सायोनारा।